हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह आज के इस वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं बात करूंगा हर्पीस जोस्टर, जिसको आप शिंगल्स भी बोलते हैं। हर्पीस जोस्टर क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, क्यों होता है और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, और इस सब के लिए होम्योपैथिक दवाई कैसे यूज़ की जाती है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। हर्पीस जोस्टर एक वायरल डिजीज है। बचपन में सबको चिकन पॉक्स होता है और ये चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज है, जिसमें बॉडी पे मोती जैसे दाने हो जाते हैं, साथ में फीवर होता है। चिकन पॉक्स कुछ समय में बचपन में ठीक हो जाता है, बाद में ये वायरस बॉडी में निष्क्रिय मतलब डोरमेंट स्टेज में सुसुप्त अवस्था में बॉडी में पड़ा रहता है कुछ सालों तक, लेकिन कुछ सालों के बाद वो एक्टिव हो जाता है, एक्शन में आ जाता है। क्यों आता है वो पता नहीं है, लेकिन ये जो वायरस होता है वो ब्रेन में या तो पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां वो डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है। जब वो एक्टिव होता है तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से नर्व्स के थ्रू वो चमड़ी पे आ जाता है। जब वो चमड़ी पे एक्टिव होता है तो शुरू में हमें क्या लगता है कि कुछ मच्छर ने काटा होगा या तो कोई इंसेक्ट बाइट हुआ होगा, लेकिन एक या दो दिन में ही साथ में फीवर आ जाता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है। और जहां पे वो नर्व सप्लाई होता है, इसकी खासियत यह है कि बॉडी में एक ही पार्ट्स में होता है, या तो लेफ्ट या तो राइट। जहां भी वो नर्व का सप्लाई होगा उतने ही पोर्शन में उसके इरप्शन दिखाई देंगे, और यही उसकी खासियत है। बाद में इरप्शन दिखाई देगा तो फीवर, इरप्शन, इचिंग, बर्निंग, ये सब उसके शुरुआत के लक्षण होते हैं। कुछ ही समय में ये ठीक हो जाता है, हफ्ता दस दिन में वायरस या कोई दवाई करो या नहीं करो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन इरप्शन चला जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि इरप्शन चले जाने के बावजूद भी वहां पेन रहता है, बर्निंग रहता है, वो पार्ट बहुत सेंसिटिव हो जाता है, उसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया बोलते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि साहब ये मैं कपड़े सहन नहीं कर पाता हूँ, कपड़े सहन नहीं होता, अगर फैन की हवा चलती है तो भी मुझे इससे सहन नहीं होती है, थोड़ी भी हवा लगे, ठंडी हवा लगे तो भी मुझे सहन नहीं होता, और जलन 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 इतनी रहती है कि ये पूरा पार्ट बहुत सेंसिटिव हो गया है। क्यों होता है, ज्यादातर किसको चांसेस है, आफ्टर 50 इयर्स 50 साल के बाद वाले लोगों को ये ज्यादा होता है हर्पेटिक हर्पीस जोस्टर। दूसरा कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो जो बॉडी में रहे वायरस एक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, कैंसर है, HIV है, जो लोग ऐसे मरीज है उनको ज्यादा चांसेस रहते हैं। और कुछ लोग दवाई लेते हैं, स्टीरोइड लेते हैं या तो इम्यूनोसप्रेशन दवाई लेते हैं, उनको ये सब होने के चांसेस ज्यादा है। अब मैं होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताता हूँ। मैंने बोला कि जब शुरुआत में इरप्शन होता है, बुखार आता है, तब आप आर्सेनिक है, रश्टॉक्स है, एकोनाइट है, ऐसी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। आर्सेनिक में क्या होता है कि बुखार आएगा, जलन होगी, जहां पे भी इरप्शन है वहां जलन होगी, और जलन आप गर्म पानी लगाओगे तो अच्छा उसमें फायदा मिलेगा, बेटर बाय वॉर्म, प्यास थोड़ी थोड़ी लगती रहती है, ऐसे केस में आप आर्सेनिक यूज कर सकते हैं। अगर बारिश की सीजन में आपको हर्पीस जोस्टर हुआ है, ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है और पेशेंट काफ़ी रेस्टलेस है, बुखार भी है, मसल्स पेन है, जॉइंट्स पेन है, स्टिफनेस है, तब आप रश्टॉक्स 30 पोटेंसी, आर्सेनिक भी 30 पोटेंसी, रश्टॉक्स भी 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। बहुत पेन है, हाई ग्रेड फीवर है तो, और सडन बुखार आया है तो आप एकोनाइट भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब हुआ शुरुआत के, जब आपको इरप्शन है, एक्चुअल स्टेज है, तब का की बात है। लेकिन मैंने बोला ना कि बाद में ऐसा स्टेज आता है कि पूरा इरप्शन चला जाता है लेकिन वो पार्ट सेंसिटिव हो जाता है, तब जो होम्योपैथिक का रोल आता है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में बहुत अच्छी है।
इसके लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा मेजेरियम। मेजेरियम में क्या है, मेजेरियम नर्व्स पे और मसल्स पे दोनों पे इफेक्ट करने वाली दवाई है। मसल्स के अंदर जैसे आग अग्नि रखी हो, बर्न ऐसे जलन होती है, बर्निंग होती है और बाहर के पोर्शन में इचिंग होती है, पार्ट बहुत सेंसिटिव हो जाता है, टच भी सहन नहीं होता, हवा भी सहन नहीं होती है, ऐसे केस में आप मेजेरियम यूज कर सकते हैं। मुझे ऐसे केसेस में मेजेरियम से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मैंने 30 पोटेंसी में 3-3 गोली 3 बार दी है। दूसरी दवाई मैं बताने जा रहा हूं रेनिंकुलस बी। रेनिंकुलस बी में क्या होता है, ज्यादातर ये दवाई मैं इंटरकोस्टल मसल्स मतलब दो रिब्स, दो पसलियां होती है उसके बीच जो मसल्स होता है वहां ये इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है। इसके जो इरप्शन होते हैं वो ब्लूइश कलर के हो, जब भी इरप्शन निकलते हैं तब ब्लूइश कलर के इरप्शन होते हैं और ये पार्ट भी बहुत टच से सेंसिटिव है, हवा से सेंसिटिव है जैसे मेजेरियम में है, लेकिन उसका मेन एक्शन ये है कि ये इंटरकोस्टल मसल्स मतलब पसलियों के बीच के जो मसल्स पे है वहां अगर इफेक्ट हुई हो तो आप ये दवाई बहुत अच्छे से रेनिंकुलस भी 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हो। कालमिया, ये भी एक होम्योपैथिक दवाई है। कालमिया में पार्ट है नम हो जाता है, शून हो जाता है और पेन के साथ नौशिया होता है। अगर आप उसके पेशेंट का पल्स रेट देखोगे तो पल्स रेट लो हो जाते हैं, ऐसे केसेस में आप कालमिया यूज कर सकते हैं। और एक दवाई बताने जा रहा हूं प्लेंटागो। प्लेंटागो ज्यादातर दांत पे, कान पे, फेस पे इफेक्ट करने वाली दवाई है। तो जब भी फेस इन्वॉल्व हुआ हो हर्पेटिक हर्पीस जोस्टर में, हर्पेटिक इरप्शन में और यहाँ पेन हो रहा हो तो आप प्लेंटागो यूज कर सकते हैं। और आंखों में भी ये डिजीज का कॉम्प्लिकेशन सिर्फ चेस्ट पे या पेट पे नहीं है, आंखों में भी बहुत वो पूरा विजन तक चला जाए या तो कॉर्नियल अल्सर हो जाए वहां तक के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हर्पीस जोस्टर में। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं मैं यूज करता हूं, कॉस्टिकम यूज